माँ काली और माँ तारा के बाद 10 महाविद्या में से माँ सती का तीसरा रूप त्रिपुरा सुंदरी, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। इन्हें माँ पार्वती के रूप में देखा जाता है। इन्हें ललिता और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी को कमला भी कहा जाता है, अ फॉर्म ऑफ महालक्ष्मी, गॉडेस महालक्ष्मी, जो डिनोट करती हैं वेल्थ, प्रोस्पैरिटी, अबेंडेंस को। इनके पिक्चर में इन्हें दिखाया जाता है कि इनका चेहरा सूरज की तरह चमकता है, जो बताता है जॉय, कंपैशन और इल्यूमिनेशन को। इन्हें चार हाथों से दिखाया जाता है, एक हाथ में 5 फूल हैं, दूसरे में एक फंदा है। फंदा रिप्रेजेंट करता है अटैचमेंट को, एक बाण है जो बताता है हमारे माइंड को, और 5 एरो हैं जो हमारे 5 सेंसेस को दिखाता है, यूनिवर्स का क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन माँ त्रिपुरा सुंदरी के हाथ में है। ये मैनिफेस्टेशन पावर को दिखाती हैं। त्रिपुरा सुंदरी का मतलब होता है जो तीनों लोक में सबसे सुंदर हों। ये डिवाइन के ब्यूटीफुल फॉर्म को दिखाती हैं। ये हमारे उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस को बताती हैं जिसे कहते हैं सदा शिव तत्व। ये हमारे उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाती हैं जो डिनोट करता है जो भी सुंदर हमें अपने आसपास नज़र आता है, जितना भी सुंदर हम देखते हैं वही सब हमारे अंदर भी एग्जिस्ट करता है। कहते हैं कि इनके मंत्रा से, इनकी ब्लेसिंग से माँ त्रिपुरा सुंदरी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जो हर तरह के मिसफॉर्च्यून को हमारी लाइफ से दूर करती हैं, सक्सेस दिलाती हैं। और त्रिपुरा सुंदरी गायत्री मंत्र दुश्मनों को, शत्रुओं को हमसे दूर रखते हैं, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से हमें रास्ता दिखाती हैं, हमें उनसे बाहर निकालती हैं। फैमिली और फ्रेंड्स में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट और फाइट को दूर करने के लिए माँ को याद किया जाता है, माँ त्रिपुरा सुंदरी को। और इसके अलावा कहते हैं कि गॉडेस त्रिपुरा सुंदरी को वर्शिप करने से, उन्हें मानने से, उनके साथ एक कनेक्शन बनाने से वो आपको अपनी तरह खूबसूरत बनाती हैं, जिन्हें हर कोई पसंद करे, और वो आपकी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेटिक चार्म देती हैं। 10 महाविद्या का अगला यानी चौथा रूप है माँ भुवनेश्वरी। ये बिल्कुल माँ त्रिपुरा सुंदरी जैसी ही दिखाई देती हैं। इनके नाम में 2 वर्ड आते हैं, एक है भुवन, उसका मतलब होता है लिविंग वर्ल्ड, दिस लिविंग वर्ल्ड, अ प्लेस ऑफ डायनेमिक एक्टिविटी, एंड ईश्वरी, इसका मतलब होता है फीमेल रूलर, द मदरली पार्ट ऑफ डिवाइन, द फीमेल पार्ट ऑफ डिवाइन। भुवना मतलब ये धरती जिस पर हम खड़े हैं। इन्हें महामाया भी कहा जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा को जब इस यूनिवर्स का निर्माण करना था तब उन्होंने शक्ति की तपस्या की, बहुत तपस्या की, ताकि वो क्रिएशन को इनवाइट कर सकें, और तब देवी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आई भूदेवी की फॉर्म में, भुवनेश्वरी की फॉर्म में। लाल कलर में ये एक लॉटस पे बैठी दिखाई जाती हैं, बहुत सारे गहनों से लदी हुई। इनके 2 हाथों में पाश और तलवार होती है और बाकी 2 हाथों में मुद्रा। इन्हें शिवा का हर्ट कहा जाता है। जो भी हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस का इन्हें आधार माना जाता है, मैनिफेस्टेशन का पावर माना जाता है, बेस माना जाता है। और इसीलिए गॉडेस भुवनेश्वरी की पूजा से हमें वेल्थ और प्रोस्पैरिटी मिलती है। गॉडेस भुवनेश्वरी आपको वेल्थ की ब्लेसिंग्स देती हैं, आपके सपनों को, आपके एम्बिशंस को पूरा करने में मदद करती हैं और रास्ता दिखाती हैं।